हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति, योर मेंटोर फॉर DSSSB PGT कॉमर्स एग्जाम। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के, ये भी एक मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। मतलब फंक्शन नहीं है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है जो कि मैनेजमेंट का बहुत बड़ा जिसमें रोल है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा अपने डेली लाइफ में भी, कोऑर्डिनेट करके काम करो, ऐसी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हर एक मैनेजर, एक कंपनी के अगर हम कंसर्न में बात करें, तो हर एक मैनेजर जो टास्क परफॉर्म करता है उसके लिए उसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। अब हम कोऑर्डिनेशन को देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है। कोऑर्डिनेशन एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सब जो लोग हैं उनका उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। मतलब सबके व्यूज़ अलग हैं, सबके थॉट्स अलग हैं, सबके सोचने की जो थिंकिंग पावर है और सबके जो डिसीजन मेकिंग पावर है, डिसीजन से सब कुछ अलग है एक दूसरे से। तो जब सबको इकट्ठा लेकर काम किया जाता है तो कोई अपनी कुछ राय देगा, कोई कुछ राय देगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो इस केस में क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। अगर एक की बात सुने तो दूसरे की बात रह जाएगी, दूसरे की सुने तो पहले की रह जाएगी। इस केस में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्टिविटीज़ को एक साथ लाया जाता है, एक्टिविटीज़ आर ब्रिंगिंग टुगेदर और फिर उनको आगे परफॉर्म किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग 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 सब काम कर रहे हैं, ये ग्रुप एक्टिविटी होती है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देर इज नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट किया जाता है, एक साथ लाया जाता है, फिर उनको परफॉर्म किया जाता है। अब आता है हमारा कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसी लाइन से द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसी लाइन से एकदम पता चल जाता है कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन। अब वो कैसे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, वो देखना है हमें। फर्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब जैसा कि हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हर एक फंक्शन में यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लानिंग कर रहे, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अगर वो प्लानिंग कर रही है कि उन्हें कोई पॉलिसीज बनानी है अपनी कंपनी के लिए, कुछ न्यू पॉलिसीज फॉर्म करनी है, तो सब लोग मिलके करेंगे आपस में और एक दूसरे की बातें भी सुनेंगे। क्योंकि अगर एक दूसरे के व्यूज़ नहीं सुनेंगे और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो टॉप लेवल मैनेजर्स जितने भी हैं उन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से बाकी भी जो प्रोसेसेस हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, हर लेवल पर, हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। स्टाफिंग में देख लीजिए, जैसे स्टाफिंग में आपको रिक्रूट करना है, किसी भी पर्सन को हायर करना है पोस्ट के लिए या ट्रेनिंग देनी है, कुछ भी देना, तो हर जगह कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। अब हमने पढ़ा था कि सब फंक्शंस में यूज होता है कोऑर्डिनेशन, अब हम यहाँ पर कह रहे हैं हर लेवल पर यूज होता है। लेवल मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल।
सिर्फ कोई एक लेवल नहीं होता जिस पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है कि चलो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अब आपस में कोऑर्डिनेट कर लिया, बाकी में मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर, चाहे वो टॉप लेवल हो, कितने भी बड़े से बड़ा लेवल और कितने भी छोटे से छोटा लेवल हो, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती ही होती है। और क्यों होती है? कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए, सबके व्यूज़ को सुना जाता है। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए कोऑर्डिनेशन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी मैनेजमेंट चल नहीं पाएगा। ज़्यादा लंबे समय तक तो छोड़ो, बहुत कम समय तक भी नहीं चल पाएगा। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है एक मैनेजमेंट का, क्योंकि अगर आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या और क्या ही टास्क वो परफॉर्म करेंगे। इसमें एक एग्जांपल देखिए, अगर आप अपने घर का ही एग्जांपल लेते हैं, आपके पेरेंट्स का अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा कि मुझे ये काम करना है आप ये काम करो, और एक दूसरे की बातें नहीं सुनी जाएंगी, तो वहाँ पर क्या होंगे? कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। और जहाँ पर एक दूसरे की बात सुनी जाती है, सारे व्यूज़ को समझा जाता है, जितने भी लोग हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेशन अगर वहाँ पर है तो वो चीज़ बहुत अच्छे से चलती है। इसलिए कोऑर्डिनेशन एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है मैनेजमेंट का। और जहाँ पर भी आपको ये लाइन दिख जाए, जैसे एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आप पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आपको एग्जाम्पल्स दे देंगे थोड़े से, मतलब आपको ऑप्शंस दे देंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑपरेशन, ऐसे ऐसे दे दें, तो आंसर क्या है आपका? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ही आपका उसका आंसर होगा। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट से ही आप समझ जाइएगा। इसके बाद आता है हमारा नेचर या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा, मीनिंग तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, मीनिंग से ही अब हम फीचर्स निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जैसा कि मैंने अभी पीछे भी आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन तभी तो होगा जब बहुत सारे लोग आपस में ग्रुप में काम करेंगे। अगर एक ही इंसान कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहा है तो क्या वहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी? किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसे खुद ही सारे काम करने हैं। तो कोऑर्डिनेशन की हमेशा ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ पर ग्रुप एफर्ट्स होते हैं, ग्रुप में काम किया जाता है। नेक्स्ट है, इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। अब जो कोऑर्डिनेशन है वो किस पर फोकस करती है? वो ये फोकस करती है कि लोग ग्रुप में काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके बीच में यूनिटी रहे। यूनिटी रहेगी तभी कोई काम कंप्लीट और अच्छे वे में एफिशिएंटली हो पाएगा, अदरवाइज कोई काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो। अब ये चार्ट है, इसमें आपको बताया हुआ है एक कंपनी जो है वो किस किस चीज़ से बनती है। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट प्लस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लस परचेज डिपार्टमेंट प्लस सेल्स डिपार्टमेंट प्लस फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स मिलाकर क्या बनती है? एक कंपनी बनती है। नेक्स्ट है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब जो कोऑर्डिनेशन है, क्या वो सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं आप? मतलब कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्या आपको एक ही बार पड़ेगी या दो बार या दस बार? नहीं, हमेशा के लिए और हर लेवल पर, हर टाइम, हर जगह पड़ेगी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत। ये नहीं है कि सिर्फ एक मैनेजमेंट में ही हम देख रहे हैं कि किसी कंपनी में ही ज़रूरत है। इवन आपको, आपका कोई, आपकी कोई फ्रेंड है, उसके साथ भी आपके अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपकी फ्रेंडशिप भी टूट जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन छोटे से छोटा लेवल देख लो या बड़े से बड़ा लेवल देख लो, हर जगह चाहिए और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये प्रोसेस कभी ब्रेक नहीं होता है। नेक्स्ट इज, कोऑर्डिनेशन इज़ अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव, जैसे मैंने आपको बताया था, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। तो जो कोऑर्डिनेशन है वही, उसकी ज़रूरत हर जगह पड़ती है यूनिवर्सली। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही लोकेशन पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, अदरवाइज और जगह नहीं है। जहाँ जहाँ ह्यूमन है वहाँ वहाँ कोऑर्डिनेशन होना ही होना चाहिए और ज़रूरी है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनका नेचर भी थोड़ा होता है लड़ाकू वाला। तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो किसी भी तरह के, उसमें क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब सिर्फ कंपनी के सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि
वो कोऑर्डिनेशन सिर्फ वही रखेगा, नहीं, हर एक मैनेजर की ड्यूटी है, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपस में लोगों को कोऑर्डिनेट कराना, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन सेट करना, वो किसकी ड्यूटी है, सारे मैनेजर्स की। कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन, डेलिब्रेट फंक्शन मतलब जो अपनी इच्छा से किया जाता है, मीन्स एक किसी इंसान को वो काम करना है, जैसे डेलिब्रेट फंक्शन, इसको मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हर एक मैनेजर है, ठीक है, हर एक मैनेजर जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा एक्टिविटीज़ को, क्यों, ताकि कंफ्यूजन और जो केओस हो रहा है आपस में, जो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं बेमतलब में, उनको दूर किया जा सके। तो किसका ये रोल हो गया, मैनेजर का रोल हो गया। तो मैनेजर जो है वो डेलिब्रेटली इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो क्या क्या पढ़ा हमने फीचर्स में, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स में, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, इंश्योर द यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, परवेसिव फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स और डेलिब्रेट फंक्शन। अब आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है और ज़रूरत क्यों पड़ेगी। सबसे पहला तो क्यों ज़रूरत पड़ती है, पहला तो है उसका साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल है, मतलब छोटे लेवल पर ही काम है, तो कोऑर्डिनेशन तो वहाँ भी ज़रूरी है, और बड़े लेवल पर काम है तो कोऑर्डिनेशन वहाँ भी ज़रूरी है। लेकिन डिफरेंस क्या है, छोटे लेवल पर कम लोग काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन का लेवल थोड़ा सा कम होगा एज़ कम्पेयर टू द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग आपस में एक साथ काम करेंगे, तो इसलिए वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी, और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हर चीज़, हर एक एक्टिविटी कोऑर्डिनेट होकर काम कर रही है या नहीं कर रही है। फिर आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब एक कंपनी है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। तो अब हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे सेट किया जाएगा, वो भी तो करना पड़ेगा, तो उसको सेट भी तो करना पड़ेगा। मतलब अभी तो हम सिर्फ लोगों के बीच में कर रहे हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन भी तो बिठाना पड़ेगा, तो वहाँ भी ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेशन की। अगर मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको मटेरियल परचेज करना है, उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट से बोला कि मुझे फाइनेंस की ज़रूरत है और मुझे वो करना है, प्रोड्यूस करना है थोड़ा सा मटेरियल, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अगर उसे देने से मना कर दिया, तो क्या वो प्रोडक्शन कर पाएगा, क्या वो परचेज कर पाएगा उस चीज़ को, नहीं कर पाएगा। तो दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो इसलिए डिपार्टमेंट्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर आता है स्पेशलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, अब हर एक लेवल पर जो मैनेजर्स होते हैं वो ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स ही होते हैं, ऐसे ही तो किसी को नहीं बैठा दिया। तो हर एक मैनेजर या हर एक एक्सपर्ट अपने आप में ये सोचता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। तो अगर हर एक एक्सपर्ट यही सोचने लग जाएगा तो वो तो एक दूसरे की सुनेंगे ही नहीं। तो उन एक्सपर्ट्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ताकि एक्सपर्ट्स के बीच में ही कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाए। अब इस टॉपिक का लास्ट है हमारा सब टॉपिक, जिसमें हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस है। कोऑर्डिनेशन आपने अभी इतना सारा पढ़ा, तो एटलीस्ट आपको क्लियर हो गया होगा ऊपर ऊपर से कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। अब उसको हम कंपेयर करते हैं कोऑपरेशन के साथ। देखिए, कोऑर्डिनेशन में क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब है ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को एक साथ लाकर काम करना। लेकिन कोऑपरेशन का मतलब होता है जब इंडिविजुअल्स जो हैं वो खुद अपनी इच्छा से एफर्ट्स लगाते हैं उसमें, तब वो क्या बनता है, कोऑपरेशन। और जब वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपनी इच्छा से, डेलिब्रेटली। कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट एक्शन होता है मैनेजर का, ये वॉलंटरी एफर्ट किसका होता है, एम्प्लॉयज़ का। इसमें तो मैनेजर कोऑर्डिनेशन बिठाता है, लेकिन कोऑपरेशन में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का खुद का वॉलंटरी एफर्ट्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन डिपेंडेंट होता है कोऑपरेशन पर, और कोऑपरेशन डिपेंड होता है कोऑर्डिनेशन पर। तो इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। कोऑर्डिनेशन कैसे अचीव किया जा सकता है,
फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के रिलेशंस में, लेकिन कॉपरेशन जो है वो अचीव होता है इनफॉर्मल रिलेशंस में, बिकॉज ये एम्प्लॉयज़ के बीच में है सिर्फ, और एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशन कैसा रहता है, इनफॉर्मल। कोऑर्डिनेशन इंक्लूड्स कॉपरेशन। अब कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है कॉपरेशन, तो एक पार्ट हो गया कोऑर्डिनेशन का, इसलिए कोऑर्डिनेशन एक वाइडर टर्म हो गई, वाइडर स्कोप हो गया उसका, और कॉपरेशन का स्कोप थोड़ा सा नैरो हो गया। कोऑर्डिनेशन इज इसेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में मिलकर काम तो कर रहे होते हैं, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन कोऑपरेशन क्या होता है, कोऑपरेशन भी एक ग्रुप एफर्ट होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेट कौन करता है, मैनेजर्स, लेकिन कोऑपरेशन में जो आपस में ही वॉल्यूंट्री एफर्ट्स होते हैं वो किसके होते हैं, एम्प्लॉयज़ के। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कोऑर्डिनेशन, और इसी के साथ हमने ये पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला टॉपिक। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं और ढेर सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और बहुत स्मूथली हम अच्छे अच्छे से बहुत कामली हम पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।